नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। और देखिए, मैं आपको वैसे देखिए काफ़ी सारी वीडियोस पे बता चुकी हूँ, बट आज मैं जो वीडियो लाई हूँ उस पर हम जो डॉगी था, मैंने बताया था आपको कि हमारा स्ट्रीट डॉग है और उसके जो है कान पे लग गई थी, तो काफ़ी उसकी अब रिकवरी हो चुकी है। हमने दवाई ववाई ट्रीटमेंट किया था, हालांकि हमने कोई कोर्स नहीं किया है ट्रीटमेंट के लिए, या हमने कोई नर्सिंग वर्सिंग का कोर्स नहीं किया, बट फिर भी कोशिश की है। और इन्हीं डॉग्स के लिए हम लोगों ने ना शैम्पू, क्योंकि हमारे घर में भी हमारे डॉग्स हम पालते हैं, उनके लिए जो शैम्पू यूज़ किया है करते हैं हम, तो वही शैम्पू मैंने ये हमारा जो ये स्ट्रीट डॉग है उसके लिए भी किया है। और आपको अभी देखना पड़ेगा, इसमें से काफ़ी सारे जो ये पड़ जाते हैं ना, इनके छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं या जो भी इन्हें कहते हैं, तो आई थिंक शायद टिक्स करके कुछ नाम होता है, वो जो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं जो खून भी पी जाते हैं, और ऐसे ही जैसे इंसानों के होते हैं ना, छोटे बच्चों के सिर में जूं से हो जाते हैं, तो उसी टाइप से इनके भी होते हैं, बट ये काफ़ी नुकसानदायक होते हैं और इनको कमज़ोर कर देते हैं। तो इसलिए आज मैंने और मेरी छोटी सिस ने क्या कहते हैं इनके, देखिए अब आप पहले ये देखिए ये कितना सारा इसमें जितनी भी ये कीड़े हैं टिक्स जो हैं पड़े हुए हैं, तो इसे मिलकर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सफाई वफाई किया। अब आप ये मत कहिएगा कि अरे आपको अपनी भी ध्यान रखना चाहिए, देखिए हम इंसान हैं, हम अपना ध्यान रखना जानते हैं, बट ये जानवर नहीं जानते, तो इसी वजह से हम लोगों ने अपने हाथों का यूज़ किया, क्योंकि हम अगर इसमें चिमटी वगैरह जो होते हैं ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से डॉक्टर्स हो गए या जो भी जिन्होंने कोर्स वगैरह किया होता है नर्सिंग वगैरह का, वो यूज़ करते हैं, हमने वो नहीं किया क्योंकि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। बट हाँ, हम लोगों ने फिर भी काफ़ी हद तक कोशिश की कि इनको सही कर सके, और इस बेचारे के तो वैसे ही काम में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हमने इसके फेस के एरिया को ना धोकर इसके पूरे बैक के एरिया को मतलब धोया है, गले से लेकर नीचे तक का पूरा, और जितना हो सका हम लोगों ने इसके जितने भी कीड़े लगे हुए थे, टिक्स थे जो भी, वो सबको साफ़ करने की कोशिश करी है। और मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर की है, वो तो मतलब ये मान लीजिए कि डॉग्स को, पेट एनिमल्स को, या जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से ही ट्रीट करती है एज अ ह्यूमन बींग। और ये देखिए अभी भी ये बहुत सफाई वफाई करने में लगी हुई है, और अभी देखिए हमने जितनी कोशिश हो सकी उतना तो किया है, बट नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब ये ठीक हो गया, मतलब इसको मतलब नहला दिया हमने, तो उसके बाद हमने उसके कान में भी दवाई ववाई का पूरा जो हमारे पास दवाई का हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स था, तो उससे हमने सारी दवाई ववाई इसके कान पे भी लगाई और इसको अच्छे से रखा, और थोड़ा देर इसको अपने पास संभाल के रखा, और फिर इसको हमने थोड़ी देर रखा, और उसके बाद हमने फिर इसको सुखाया उखाया, क्योंकि देखिए अभी गर्मी का मौसम है, फिर ये बाहर जाता और फिर ये वापस से गंदा होता, और फिर वापस से इसकी जो ये देखिए ऐसा नहीं है कि ये दोबारा गंदा नहीं होगा, बट दिक्कत ये हो जाती है।